आदि संवाददाता ऋषि नारद जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को विश्व संवाद केंद्र उदयपुर अजमेर चैप्टर के तत्वावधान में नारद जयंती के अवसर पर संगोष्ठी और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन स्वामी कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य नंदलाल थे, जबकि अध्यक्षता उपेंद्र सिंह शर्मा संपादकीय प्रभारी राजस्थान पत्रिका ने की। विश्व संवाद केंद्र द्वारा अजमेर में यह तीसरा पत्रकार सम्मान समारोह था। ब्रह्मांड की निर्मिति और मनुष्य के सृजन के साथ ही संदेश पाने की अभिलाषा, सब कुछ जानने की जिज्ञासा मानव मन की रही है और इसलिए व्यक्ति और समाज के ठीक दिशा में विकास के लिए सत्य जानकारियों का संकलन, संपादन और संप्रेषण का महत्व रहा है। विश्व में सर्वप्रथम यदि संवाद प्रश्न की व्यवस्था को सर्वाधिक कल्याणकारी रूप में किसी ने प्रस्तुत किया है तो वह है देवश्री नारद। इसलिए देवश्री नारद आद्य संवाददाता या आद्य पत्रकार के रूप में जाने और माने जाते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम प्रभारी निरंजन शर्मा ने सभी का आभार जताया। संवाद केंद्र उदयपुर के अजमेर चैप्टर के द्वारा आज नारद जयंती के अवसर पर संगोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अजमेर से जुड़े हुए 5 वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया तथा इसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान पत्रिका के संपादकीय प्रमुख श्रीमान उपेंद्र जी शर्मा ने की तथा मुख्य वक्ता क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय नंदलाल जी का मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन रहा। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय पुरुषोत्तम जी प्रांजपे इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। तीर्थ नगरी पुष्कर में अब जल्द ही 62 लाख रुपए की लागत से 20 हेक्टेयर भूमि में हर्बल गार्डन बनने जा रहा है। सरकार की बजट घोषणा की पालना में वन विभाग ने पुष्कर में हर्बल गार्डन विकसित करने की योजना तैयार कर ली है। इसके लिए अजमेर रोड पर 20 हेक्टेयर भूमि पर गार्डन विकसित किया जाएगा। इस गार्डन में 5000 औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और पौधों के पास उनके उपयोग और महत्व आदि का विवरण भी लिखा जाएगा ताकि लोगों को गार्डन में आने पर पौधों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और उनके लिए उपयोगी हो सके। उपवन संरक्षक राजू चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेज दिया गया है। हर्बल गार्डन की योजना वर्ष 2015-16 से शुरू होकर वर्ष 2021-22 तक चलेगी। पुष्कर के अजमेर रोड स्थित वन विभाग की जमीन इसके लिए उपयुक्त रहेगी। इस वर्ष मुख्यमंत्री बजट घोषणा में हर्बल गार्डन पुष्कर में बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा 20 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्कर के पास में वन भूमि पर एक हर्बल गार्डन विकसित किया जाएगा, जिसमें हम 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियां जो मनुष्य के दैनिक जीवन में काम आती हैं, जो उनके उपचार में काम आती हैं और जिनका एग्जिस्टेंस हम खो चुके हैं करीब करीब, इस तरह की प्रजातियों को समावेश किया जाएगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक उपयोग में ला सके।